Are you one of those people who don't know what to say to begin a conversation? And you are one of those. Hi everyone, my name is Pratyush. This is a Sunday special spoken English classes. And I bring to you some new English phrases to initiate a conversation and to end a conversation. So this lesson is about how to perfectly start a conversation and end a conversation. So what are you waiting for? Let's get started. So, welcome students and welcome to my all English learners. Okay? So, यहाँ पे हम क्या शुरू करेंगे अभी? How to perfectly start a conversation and end a conversation. At first, I teach you how to start a conversation. So, let's start. Starting a conversation. Okay. Starting a conversation is very very necessary to our life. Okay. हम जब किसी से पहले मीट करते हैं तो हमें क्या स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन मतलब किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए कुछ बोलना पड़ता है. ओके किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या बोलना पड़ता है ये हम आज इंग्लिश में सीखेंगे. ओके इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे. ओके बाद में क्या बोलेंगे टॉपिक क्या है वो हमें नहीं पता. किसी टीचर से मिल रहे हो तो पढ़ाई बारे में बात करोगे. किसी बिजनेसमैन से मिल रहे हो तो बिजनेस के बारे में बात करोगे. ओके किसी फ्रेंड से बात मिल रहे हो तो कुछ भी हो सकता है. ओके आप तो समझ रहे हो. बट स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन मीन्स किसी भी व्यक्ति से मिलो आपको क्या आगे बोलना है. ओके सो फर्स्ट वन इज लॉन्ग टाइम नो सी. हियर यू सी इन दिस वीडियो. ओके लॉन्ग टाइम नो सी ये आपको किसे बोलना है फ्रेंड और फैमिली मेंबर को बोलना है. फ्रेंड और फैमिली मेंबर को कैसे बोलेंगे किसी भी बर्थडे पार्टी किसी भी मैरिज पार्टी किसी में भी हम गए हैं. ओके तो उसे हम बहुत दिनों से बाद देख रहे हैं. ओके किसी फ्रेंड को 2 साल के 3 साल के बाद देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी. हम हिंदी में इसे क्या बोलते हैं तुम्हें बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ. ओके इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे. ओके ये जब हम सीखने चले जाएंगे ना हम हिंदी में क्या बोलते थे हमको क्या आसानी लगती थी इसे क्या इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. ओके नो बोम्बास्टिक वर्ड ज़्यादा बड़ा वर्ड मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रहा जो आपको समझ में ना आए. सिंपल इंग्लिश है हमें सिर्फ बोलना है. ओके सॉरी लॉन्ग टाइम नो सी. ओके लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा. ये क्या है लॉन्ग टाइम नो सी बोल के आपके नाम बोलेंगे या कुछ भी टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं. ओके तो इसे हम फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ बोल सकते हैं. द सेकेंड वन इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर. ये हमें किसे बोलना है फ्रेंड फैमिली मेंबर नो नो ये हमें किसे बोलना है स्ट्रेंजर से बोलना है. किसी भी जगह पे आप गए हो आपके लिए सब नए हैं कोई भी किसी को नहीं जानता. जैसे कि कॉलेज के टाइम में जब हम कॉलेज में पहले जाते हैं. ओके तब क्या होता है हम एक पेरेंट्स हैं और हम एक स्टूडेंट हैं. कॉलेज में नहीं जाते हैं तो सब हमारे लिए सब नए ही होते हैं. ओके तो हम क्या बोलेंगे इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर. उस पेरेंट्स को क्या बोलेंगे एक पेरेंट्स उस पेरेंट्स को क्या बोलेगा इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर. तो मतलब क्या यह यहाँ आपका पहला है क्या यहाँ आपका ये पहला दिन है क्या क्या या आप पहले से आए हुए हैं ऐसे बोल के हमें स्टार्ट करना है. तब उसके बाद क्या बोलेगा नहीं नहीं फिर वो पूछेगा तो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया. तो स्टार्ट कन्वर्सेशन में क्या बोलना है हमें इज दिस योर फर्स्ट टाइम हियर ये हमें स्ट्रेंजर को बोलना है. ओके देन फिर से एक स्ट्रेंजर के लिए डू यू कम हियर ऑफन. डू यू कम हियर ऑफन मतलब आप यहाँ बार बार आते हैं क्या. आप किसी भी जगह पे चले जाइए वो बार बार आता है आप उसे देख रहे हो या नहीं देख रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता. स्टार्ट कन्वर्सेशन में क्या बोलेंगे हम डू यू कम हियर ऑफन आप यह बार बार आते हैं ये हमें इंग्लिश में बोलना है पोलाइट तरीके से. ओके डू यू कम हियर ऑफन ये हमें स्ट्रेंजर को बोलना है. इट्स अ वेरी नाइस एंड पोलाइट वे टू स्टार्ट कन्वर्सेशन सो रिमेंबर इट एंड नोट डाउन. ओके चौथा हेलो आई वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इसका मतलब क्या है हेलो पहले हेलो बोलना है
उसके बाद आई वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे मेरा परिचय देना है। ओके किसी भी फ्रेंड्स के साथ आपको बात करने का मन हुआ, ऐसे तो नहीं जाके बोलेंगे कि मेरा नाम प्रत्युष है, मैं ये ओके ऐसे नहीं। आई वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो वो क्या बोलेगा? हाँ बोलेगा, तो आप अपना परिचय देना, उसके बाद जो टॉपिक है स्टार्ट कर देना। ओके 551 हाय डू यू हैव ए मिनट, इट्स ए वेरी पोलाइट वे टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। ओके हाय डू यू हैव ए मिनट, इसका मतलब क्या, क्या आपके पास थोड़ा टाइम है, समझे? हाय डू यू हैव ए मिनट, श्योर दिस 5 sentences दिस न्यू इंग्लिश फ्रेजेस ओके टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। हियर आई विल लर्न यू हाउ टू एंड ए कन्वर्सेशन। ओके यू लर्न दैट हाउ टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। ओके सो आफ्टर डिस्कसिंग ओवर टॉपिक यू हैव टू एंड दिस कन्वर्सेशन। सो लेट स्टार्ट, द फर्स्ट वन इज I don't know to keep you any longer. Okay, ये बहुत ही polite तरीका है। I don't know want to keep you any longer. मुझे और यहाँ ज़्यादा देर वक्त ज़ाया नहीं करना है. Okay, मतलब क्या? यहाँ मुझे ज़्यादा देर वक्त नहीं गुजारना है. So I don't want to keep you any longer. Okay, ये हम बोल के वहाँ से चले जा सकते हैं. ओके किसी भी टॉपिक पे बात हो रही है तो क्या बोलेंगे हम? आई डोंट वॉन्ट टू कीप यू एनी लंगर। ओके द सेकेंड वन इज आई विल लेट यू कैरी ऑन देन। सो ये टॉपिक पे बात चल रही है और किसी ने आपको पूछा कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसे ऐसे सवाल करके पूछा, तो आप क्या बोलेंगे? आप एक काम पे ऑफिस जाने के में है या स्कूल जाने में या और किसी भी काम में है, ओके तो आपका आप क्या बोलेंगे? आई विल लेट यू कैरी ऑन देन, मुझे इस बारे में बाद में बात करना है। ओके मुझे आपसे इस बारे में बाद में बात करना है, इसे हम क्या बोलेंगे? आई विल लेट यू कैरी ऑन देन। ओके सो द थर्ड वन इज थैंक्स अगेन फॉर द लवली इवनिंग। थैंक्स अगेन फॉर द लवली इवनिंग में बोल सकते हैं, एंड थैंक्स अगेन फॉर द ग्रेट टाइम। ये क्या हो गया? ये एक टॉपिक पे बात हो गई, जब आप जा रहे हैं उनसे, वो अपने घर जा रहे हैं, आप अपने घर जा रहे हैं, तो आपको ये बोलना है तो वो खुश हो जाएगा। क्या बोलना है? थैंक्स अगेन फॉर द लवली इवनिंग, थैंक्स अगेन फॉर द फॉर ए ग्रेट टाइम। ओके देन आपको गुड नाइट, गुड डे, जो भी बोलना है वो। ओके सो फोर्थ वन इज आई हैव गट टू गेट गोइंग। ये ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, आपको लग रहा होगा आई हैव गट टू गेट गोइंग, थोड़ा एड़ा ताड़ा लग रहा होगा, बट ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, ये स्पोकन इंग्लिश भी है, ग्रामेटिकली करेक्ट भी है। ओके आई हैव गट टू गेट गोइंग, तो इसे कब बोलना है? जब एंड हो। ओके टॉपिक का एंड हो तो आपको जाना है, तो क्या बोले? मुझे जाना है। ओके तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव गट टू गेट गोइंग। ओके सो फिफ्थ वन इज आई शैल नाउ रोल आउट और हेड आउट। आई शैल नाउ रोल आउट और आई शैल नाउ हेड आउट, ये भी है। ओके ये थोड़ा अजब सा लग रहा है, आई शैल नाउ रोल आउट और हेड आउट, ये फ्रेजल वर्ब है। ओके तो इसे आप बोलना है जब एंड करते हैं कन्वर्सेशन को और आपको जाना है। ओके आई शैल हैव हेड आउट और आई शैल हैव रोल आउट, मुझे जाना है, मुझे और नहीं करना बात। ओके ये सब आप बोल सकते हैं। सो आप यहाँ पे क्या सीखे? टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन एंड टू एंड ए कन्वर्सेशन। सो नेक्स्ट क्या हम सीखेंगे ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उस टॉपिक पे मैं आपको सिखा दूंगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके ऑन व्हिच टॉपिक यू हैव टू कमेंट दिस। ओके सो हियर आई गो एंड आई शुड से आई शैल नाउ रोल आउट और हेड आउट। सो Bye-bye. Thank you for watching this video. Okay.